दी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आइडेंटिफाइंग कीज फ्रॉम फंक्शनल डिपेंडेंसीज। हमें पता है कि डिफरेंट तरह की कीज जो हैं वो किसी भी टेबल के अंदर किसी रिलेशन के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कॉम्पोजिट की, सुपर की, काफ़ी सारी कीज हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और हर की कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है, कोई इसका कोई ना कोई पहचान करने की उसके लिए कोई ना कोई उसकी कोई सिम्टम्स हैं कि कौन सी की के अंदर, कौन से एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी खसूसियात हों तो उसका नाम क्या होगा। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली या एक फॉर्मल तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि किसी रिलेशन के अंदर कैंडिडेट की कौन सी है, सुपर की कौन सी है, इसका बाकायदा एक तरीकाकार भी मौजूद है। वो तरीकाकार जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सैंपल टेबल है जी आपके सामने, सिंपल सी एम्प्लॉई की टेबल जिसमें एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई सिटी और एम्प्लॉई की स्टेट, ये चार एट्रीब्यूट्स या चार कीज या कॉलम्स हमारे इस टेबल के अंदर मौजूद हैं। ये वो बेस टेबल है जिसको हम सैंपल या एग्जांपल के तौर पर यूज करेंगे आगे जो हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है कीज का उसमें। सबसे पहले किसी भी रिलेशन या टेबल के अंदर सुपर की फाइंड करने का तरीकाकार, के ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी की जो है वो सुपर की है कि नहीं है, उसके लिए जो बेसिक मेथड है वो क्लोजर मेथड है, जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं कि किसी भी एट्रीब्यूट का हम क्लोजर फाइंड करते हैं। हमारे पास कोई रिलेशन गिवन होगा, रिलेशन के साथ कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज या कंडीशंस मेंशन होंगी और इसकी मदद से हम किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करते हैं। लास्ट एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस की हैं उसमें हमने सिंपली रिलेशन का नाम ई आर और उसके डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके नाम ए बी सी डी या एक्स वाई जी रखे थे। यहाँ पे हम उन एक्स वाई जी या ए बी सी की बजाय जो कंप्लीट नेम है एम्प्लॉई आई डी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई सिटी, एम्प्लॉई स्टेट, ये हम नाम यूज करेंगे ताकि आगे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं वो फिर इसी तरीके से ही होंगे जिसमें बाकायदा जो कंप्लीट नेम है किसी भी टेबल का और उसके एट्रीब्यूट्स का वो पूरा नाम होगा, एक्स वाई जी या ए बी सी नहीं होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा शायद ये एग्जाम्पल थोड़ी डिफरेंट लगे प्रीवियस एग्जाम्पल्स के साथ जो हम क्लोजर वगैरह की जो स्लाइड्स के अंदर कर चुके हैं। अच्छा, ये हमारे पास रिलेशन है जी ये वाला, उसकी चार एट्रीब्यूट हैं एम्प्लॉई आई डी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई सिटी और एम्प्लॉई स्टेट और फंक्शन डिपेंडेंसीज की लिस्ट ये नीचे मौजूद है रेड कलर में, जो कि स्टेट कर रही है कि अगर हमारे पास एम्प्लॉई आईडी हो तो हम उसकी मदद से एम्प्लॉई नेम डिटरमिन कर सकते हैं, एम्प्लॉई आईडी हो तो हम एम्प्लॉई सिटी डिटरमिन कर सकते हैं, एम्प्लॉई आईडी हो तो हम एम्प्लॉई स्टेट भी डिटरमिन कर सकते हैं, और चौथी फंक्शन डिपेंडेंसी हमारे पास कि अगर हमारे पास एम्प्लॉई सिटी हो तो हम उसकी मदद से एम्प्लॉई स्टेट भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये कंडीशन हो गई, टेबल आर रिलेशन जो है वो ये मौजूद है एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम इसका क्लोजर लेना शुरू करते हैं हर एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट का, ठीक है जी, जो हमारे पास डिफरेंट जो एग्जांपल्स मौजूद हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट सेट का सेट पे जो है उसका क्लोजर, उसके अंदर तमाम एट्रीब्यूट आते कि नहीं। अच्छा, हमने ये कुछ गिवन हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि हम जैसे एम्प्लॉई आई डी है तो एम्प्लॉई आई डी का हम क्लोजर लेके देखते हैं। क्लोजर का जो है तरीका कर वो हम उसको रिपीट नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी आपको बताया कि क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं। एम्प्लॉई आईडी है तो ई आईडी, जैसे हम उसका क्लोजर लेंगे तो सबसे पहले ई आईडी तो उसमें शामिल होगा ही, जो जिस एट्रीब्यूट का हम क्लोजर लेते हैं वो इटसेल्फ इसमें सबसे पहले खुद ऐड हो जाता है। इसके अलावा अब हम इन जो फंक्शन डिपेंडेंसीज है इनको एग्जॉस्ट करना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि इसके मुताबिक कौन सा जो एट्रीब्यूट है वो फर्दर इसमें आ सकता है। हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉई आईडी हो हमारे पास तो हम एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई सिटी और एम्प्लॉई स्टेट तीन एट्रीब्यूट इसमें ऐड कर सकते हैं, लिहाजा हमने एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई सिटी और एम्प्लॉई स्टेट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये क्लोजर फाइंड करने का हम उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे, जस्ट शॉर्टकट तरीके से जरा कर रहे हैं ताकि ये जल्दी काम खत्म हो जाए। और दूसरा हमारा, क्योंकि क्लोजर फाइंड करने का ये टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम उसको डिटेल से नहीं यहाँ पे कर रहे। चौथी जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो कह रही थी एम्प्लॉई सिटी हमारे पास हो तो हम एम्प्लॉई स्टेट भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब हमारे पास एम्प्लॉई सिटी आ गया, यहाँ पे एम्प्लॉई सिटी है तो हम एम्प्लॉई स्टेट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉई स्टेट ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर तो हम उसको दोबारा से ऐड नहीं करेंगे।
अब हमारे पास अगर हम एम्प्लॉई आईडी का क्लोजर लें तो हमारे पास वो चारों एट्रीब्यूट आ गए जो कि उस टेबल के अंदर मौजूद थे जो अभी हमने सैंपल के तौर पर ली। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। द एट्रीब्यूट सेट जो डेफिनेशन है इसकी सुपर की फाइंड करने की, वजह कह रही है द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हुज क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड द सुपर की ऑफ द रिलेशनशिप। किसी भी एट्रीब्यूट को अगर हमने सुपर की कहना हो तो वो तब पॉसिबल है अगर उसका उसका जो क्लोजर है उसके अंदर वो तमाम कॉलम्स या एट्रीब्यूट शामिल हों जो कि उस एक्चुअली टेबल के अंदर हैं। अब अगर हम एम्प्लॉई आईडी का क्लोजर लें और देखना चाहें कि एम्प्लॉई आईडी सुपर की है कि नहीं है तो हमें इसका क्लोजर लेना पड़ेगा और इसके क्लोजर के अंदर उस टेबल के तमाम कॉलम आने चाहिए, तमाम एट्रीब्यूट। अगर आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये जो एट्रीब्यूट है ये सुपर की है। ठीक है जी, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, सिटी, स्टेट, ये चार ही एट्रीब्यूट थे इस टेबल के अंदर और चारों आ गए तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉई आईडी जो है वो सुपर की है। एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं जी, एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई नेम। हम एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई नेम का क्लोजर लेके देखते हैं। हमने देखा था कि हम किसी एक एट्रीब्यूट का या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का क्लोजर ले सकते हैं। ठीक है, समटाइम कॉम्पोजिट की होगी तो एक से ज्यादा कीज पे मुश्तमिल हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ पे दो कीज का हमने क्लोजर लिया, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, और देखना चाहेंगे कि ये सुपर की बनती कि नहीं बनती। अब इसके मुताबिक हम ये जो हमारा फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं, जो कंडीशंस हैं, इनको एग्जॉस्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास अगर एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई नेम, इनमें से मिसाल के तौर पे कुछ चीज एम्प्लॉई आईडी है तो एम्प्लॉई आईडी की मदद से हम एम्प्लॉई नेम, सिटी और स्टेट डिटरमिन कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास एम्प्लॉई आईडी मौजूद है तो इसका मतलब है कि हम ये तीन चीजें इसमें ऐड कर देंगे, एम्प्लॉई नेम, सिटी और स्टेट। इटसेल्फ एम्प्लॉई आईडी तो हो गई और एम्प्लॉई नेम भी होगा क्योंकि वो उसका हम क्लोजर फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों तो एज इट इज आ जाने, पहले ही आ जाने। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉई आईडी भी हमारे पास हो तो एम्प्लॉई नेम, सिटी, स्टेट हम फर्दर ऐड कर सकते हैं, तो लिहाजा हमने सिटी और स्टेट भी इसमें ऐड कर दिया। चौथी कंडीशन थी कि एम्प्लॉई सिटी हो तो हमारे पास तो हम एम्प्लॉई स्टेट भी इसमें डिटरमिन कर सकते हैं, तो एम्प्लॉई स्टेट ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई नेम का क्लोजर फाइंड लिया, ये फाइंड किया, तो उसके अंदर भी टेबल के चारों कॉलम आ गए। अगर चारों कॉलम आ गए तो इसका मतलब है कि ये सुपर की है। ठीक है जी, हमारी ये जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक सुपर की बनती है। फिर हम देखते हैं जी एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई सिटी का क्लोजर फाइंड करके देखते हैं। इसमें भी देखें तो उसी तरीके से सारे एट्रीब्यूट इसमें भी आ जाते हैं। एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई सेट चेंज करके देखा हमने, दोबारा कॉम्पोजिट की के फॉर्मेट के अंदर दो कीज को हमने सुपर की चेक करने की कोशिश की तो इसमें भी चारों कॉलम्स आ गए। एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई सिटी, एम्प्लॉई स्टेट, तीन एट्रीब्यूट का हमने क्लोजर फाइंड करके देखा तो उसमें भी सारे कॉलम्स आ गए। अब हमने एम्प्लॉई नेम का एक जो सेपरेट से एम्प्लॉई आईडी तो हमने देख लिया, एम्प्लॉई नेम का भी क्लोजर फाइंड करके देखें तो एम्प्लॉई नेम का अगर क्लोजर फाइंड करें तो इसमें सबसे पहले एम्प्लॉई नेम तो आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद बाकी कंडीशन अगर देखें तो अगर एम्प्लॉई आईडी हो तो हम ये तीन कॉलम ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसमें एम्प्लॉई आईडी नहीं है लिहाजा हम जो सिटी और स्टेट इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, और एम्प्लॉई सिटी हो तो स्टेट ऐड कर पाएंगे। अब सिटी भी नहीं है यहाँ पे तो स्टेट भी नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर हमने एम्प्लॉई नेम का क्लोजर फाइंड किया तो उसमें सिर्फ एम्प्लॉई नेम ही आया उसके क्लोजर के अंदर और कोई कॉलम नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि अगर एम्प्लॉई नेम का क्लोजर फाइंड करने से उसके एट्रीब्यूट उसके क्लोजर सेट के अंदर तमाम एट्रीब्यूट टेबल के चारों नहीं आए तो ये सुपर की नहीं है। इसी तरह हमने एम्प्लॉई सिटी का क्लोजर फाइंड करने की कोशिश की यहाँ पे और देखा कि उसका क्लोजर अगर फाइंड करें तो उसके अंदर एम्प्लॉई सिटी और एम्प्लॉई स्टेट दो ही एट्रीब्यूट आ पाए हैं इस इन कंडीशंस के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉई सिटी भी सुपर की नहीं है। ठीक है जी, अब ये जो सुपर कीज वाले कॉलम्स थे ये यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं वो तमाम एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनके क्लोजर के अंदर उस टेबल के तमाम कॉलम आ जाएं जो कि एक्चुअली टेबल या रिलेशन के अंदर हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे एग्जांपल के अंदर के मुताबिक चार कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हैं तो लिहाजा चारों चारों जिनके अंदर एट्रीब्यूट आ गए हैं वो हमारी सुपर कीज हैं। ये वाली एम्प्लॉई आई डी, एम्प्लॉई आई डी ई नेम, एम्प्लॉई आई डी ई सिटी, एम्प्लॉई आई डी ई स्टेट, एम्प्लॉई आई डी, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय स्टेट, ये जो हमारे पांच कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसका हमने क्लोजर यहाँ पे फाइंड किया इनके अंदर तमाम एट्रीब्यूट आ रहे हैं तो लिहाजा ये वाले हमारे सुपर कीज हैं। ठीक है जी,
सुपर की फाइंड करने का तरीका का सिंपली क्लोजर का मेथड है कि आप गिवन जो रिलेशन या एट्रीब्यूट जो रिलेशन या टेबल है उसके मुताबिक फंक्शन डिपेंडेंसीज का सेट होगा, उसको आप एग्जॉस्ट करेंगे तो उसके मुताबिक अगर किसी भी एट्रीब्यूट के क्लोजर के अंदर टेबल के तमाम एट्रीब्यूट आ जाएं तो वो सुपर की है वरना नहीं है। दूसरा जी कैंडिडेट की फाइंड करने का तरीका कार कि कैंडिडेट की क्या होती है, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। वो की जो कि प्राइमरी की बनने की अहलियत रखती है, नॉर्मली इस की के अंदर भी जो वैल्यूज हैं वो यूनिक होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टूडेंट आईडी अगर प्राइमरी की रखी हुई है तो स्टूडेंट का कोई सीएनआईसी या पासपोर्ट नंबर या ऐसी कोई भी सोशल सिक्योरिटी नंबर ऐसी कोई फील्ड अगर आपके पास है जिसकी वैल्यूज यूनिक हैं तो उसको आप कैंडिडेट की ले सकते हैं। लेकिन फॉर्मली कैंडिडेट की फाइंड करने का तरीका यहाँ पे है। अच्छा जी, ये कैसे फाइंड होनी है? द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हुज एट्रीब्यूट क्लोजर इज अ सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। हमने इसी तरीके से क्लोजर लेना है तमाम एट्रीब्यूट का जैसे हमने यहाँ पे लिया, ठीक है जी। लेकिन इसमें से सुपर की तो हमने फाइंड कर ली कि वो एट्रीब्यूट जिसके क्लोजर के अंदर उस टेबल के तमाम एट्रीब्यूट शामिल होंगे वो सुपर की होगी। लेकिन अब ये जो सुपर कीज हमने फाइंड की हैं जिनके क्लोजर के अंदर तमाम एट्रीब्यूट आ गए थे, इनमें हमने देखना है कि एम्प्लॉई आईडी, ये एक हमने क्लोजर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच क्लोजर लिए, लेकिन इनमें से सबसे मिनिमल एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट कौन सा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे दो हैं और तीन है। इसका मतलब है सबसे छोटा या मिनिमल सेट जो है वो ये है जिसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है। तो हमारा जो डेफिनेशन है कैंडिडेट की फाइंड करने की कि अगर ऐसा एट्रीब्यूट जो भी हमने सुपर कीज का सेट हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की है या सिंपली हम कहें कि हमने क्लोजर फाइंड करने की कोशिश की यहाँ पे और जिन एट्रीब्यूट के क्लोजर के अंदर तमाम एट्रीब्यूट आ गए उनको हम कंसिडर करेंगे सिर्फ कैंडिडेट की के लिए, ठीक है जी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें हम देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा सेट कौन सा है एट्रीब्यूट्स का। अब सबसे छोटा सेट यही है एम्प्लॉई आईडी का, उसमें एक ही एट्रीब्यूट है जबकि दूसरों में दो 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 और तीन है, तो बाकी बड़े हैं। सबसे छोटा ये है, मिनिमल सेट ये है, ठीक है जी। तो ये जो मिनिमल सेट है ये हमारा कैंडिडेट की है, ठीक है जी, इस डेफिनेशन के मुताबिक। अब हमने देखा कि एम्प्लॉई आईडी का अगर हम क्लोजर लें तो उसके क्लोजर के अंदर तमाम एट्रीब्यूट आ जाते हैं, ठीक है जी। ये सुपर की भी है लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये मिनिमल है, सबसे छोटा सेट है एट्रीब्यूट का जो कि तमाम एट्रीब्यूट के जो उसके क्लोजर के अंदर तमाम एट्रीब्यूट शामिल हैं, तो लिहाजा ये मिनिमल सेट हो गया, ठीक है जी। अब ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एज शोन अबव एम्प्लॉई आईडी क्लोजर इज अ सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन एंड इट इज मिनिमल, सो एम्प्लॉई आईडी विल बी द कैंडिडेट की। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉई नेम का क्लोजर also is a set of all attributes but it is not minimal because it is subset of employee id closure, kyunki ye jo hai employee id ka subset hai, theek hai। subset ka matlab ye hai ki wo ek bada set hai jo employee id hai aur employee id ke andar jo sare attributes hain wo shamil ho gaye hain, lekin hamari definition ke mutabik ye jo employee id hai ye sabse minimal set hai, lihaza ye hamara candidate ki hogi। agar yahan pe मिसाल के तौर पे एम्प्लॉई नेम भी ऐसा इसके क्लोजर के अंदर भी तमाम एट्रीब्यूट आए होते और ये भी मिनिमल था, ठीक है। मिनिमल का मतलब है कि इसमें भी एक ही एट्रीब्यूट शामिल था। एम्प्लॉई सिटी का भी अगर क्लोजर फाइंड करते उसके अंदर भी तमाम एट्रीब्यूट आ जाते तो फिर इसका मतलब ये भी एक एट्रीब्यूट का सेट था, ये भी एक का था, ये भी एक का था, और तीनों कैंडिडेट की बन जानी थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉई आईडी ही हमारा ऐसा एक एट्रीब्यूट था, उसके क्लोजर के अंदर तमाम एट्रीब्यूट आए थे, तो लिहाजा यही हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारी कैंडिडेट की है। ये तो हो गया एक तरीका कि हमने ऑलरेडी हमने सुपर कीज फाइंड की हुई थी और उनमें से सुपर कीज में से हमने देखा कि सबसे मिनिमल सेट कौन सा है, वो मिनिमल सेट जो है वो हमारा कैंडिडेट की है। दूसरा तरीका क्या है जी एच डायग्राम के थ्रू कैंडिडेट की फाइंड करने का, वो ये भी उसी तरीके से मेथड उसी तरीके काम करता है। इसमें हमने देखना है कि हमारे पास एक रिलेशन है कि मिसाल के तौर पे रिलेशन आर है और उसके कुछ एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी, ठीक है जी, उसके चार कॉलम्स हैं और अगर कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई हैं
ए हो तो बी डिटरमिन हो सकता है, बी हो तो सी डिटरमिन हो सकता है, सी हो तो ए हो सकता है। दूसरे लफ्जों में बी डिपेंडेंट है ए पे, सी डिपेंडेंट है बी पे और ए डिपेंडेंट है सी पे। ये जो बी सी ए है ये डिपेंडेंट है, ठीक है जी, और ए बी सी जो है वो इंडिपेंडेंट है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये जो राइट साइड डिपेंडेंट्स की, इसको तो पहले हम इसका एज डायग्राम बनाते हैं, ये जो आपको राइट में नजर आ रही है, उसी तरीके से हम रिलेशन लिखेंगे, चारों उसके एट्रीब्यूट लिखेंगे जो ऊपर दिए हुए, और इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ए हो तो हम बी डिटरमिन कर सकते हैं, तो हमने ए से बी तक एरो बना दिया कि ए से बी को डिटरमिन किया जा सकता है, बी से सी को किया जा सकता है और सी से ए को किया जा सकता है। यह जी एज डायग्राम, ठीक है जी, ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है कि अगर आप कैंडिडेट की फाइंड करने लगे हैं तो फिर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे अगर आपके पास एज डायग्राम भी है। अच्छा, ये स्टेप्स क्या है? ड्रॉ एज डायग्राम टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज, दिस स्टेप इज ऑप्शनल। जैसे मैंने कहा ये ऑप्शनल है, ये आप कर लें तो अच्छी बात है, ना भी करें तो फिर भी कैंडिडेट की फाइंड हो सकती है। स्टेप टू, सेलेक्ट दोज एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये जो राइट साइड है इस पे कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो इसमें शामिल नहीं है, डी ऐसा एट्रीब्यूट है जो राइट साइड पे नहीं है डिपेंडेंसीज के, ठीक है जी। जो एट्रीब्यूट नहीं है उसका हम क्लोजर फाइंड करेंगे। स्टेप थ्री क्या है? फाइंड क्लोजर ऑफ डी इफ दिस क्लोजर कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ आर, आर ये वाला रिलेशनशिप, देन डी इज कैंडिडेट की। इसमें हमने डी को ऐड कर देखा कि डी इसमें नहीं है, जो नई एट्रीब्यूट है उसको उसका हमने क्लोजर लिया और देखा कि उसके क्लोजर के अंदर तमाम एट्रीब्यूट आते कि नहीं आते। अगर डी का क्लोजर लेने से उसके क्लोजर सेट के अंदर ए बी सी डी चारों एट्रीब्यूट आ जाएं तो फिर इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट की है। अच्छा, अगर नहीं होता ऐसा कि डी का हम क्लोजर लेते हैं लेकिन उसके क्लोजर के अंदर चारों एट्रीब्यूट नहीं होते, तो फिर हम क्या करेंगे? डी के सेट बनाएंगे, डी का ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, जैसे स्टेप फोर है। अदरवाइज मेक कॉम्बिनेशंस ऑफ डी विद ऑल अदर एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल ए डी, बी डी और सी डी। डी को ए के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, डी का बी के साथ, डी का सी के साथ, एंड फाइंड क्लोजर्स ऑफ ऑल दीज कॉम्बिनेशंस। अब हम ए डी, बी डी और सी डी ये तीनों का क्लोजर्स निकालेंगे और इस क्लोजर के मुताबिक अब अगर किसी सेट के अंदर तमाम एट्रीब्यूट आ जाएं तो फिर वो कैंडिडेट की कहलाएगी। एनी क्लोजर विच कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स आर इज अ कैंडिडेट की। अब अगर हम ए डी का क्लोजर फाइंड करें और उसके अंदर ए बी सी डी चारों एट्रीब्यूट आ जाएं तो इसके मतलब ए डी कैंडिडेट की है। इसी तरीके से बी डी और सी डी के बोलेंगे, अगर सारे में आ जाएं तो डेफिनेटली सभी कैंडिडेट कीज हैं। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, एनी रिलेशन मे कंटेन वन और मोर देन वन कैंडिडेट की। किसी रिलेशन के अंदर एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। अब ए डी, बी डी और सी डी तीनों भी हो सकती हैं और सिंपल डी भी हो सकती है। ये आपने अब डी का क्लोजर फाइंड करना है, उसमें देखना है कि ए बी सी डी अगर आ गया तो फिर क्लोजर, फिर वो कैंडिडेट की है, अगर नहीं है तो फिर उसके कॉम्बिनेशन बनाए तमाम एट्रीब्यूट के साथ डी के, ए बी और सी के साथ, और देखें हर एक इंडिविजुअल क्लोजर के अंदर तमाम एट्रीब्यूट आते कि नहीं आते। जिस जिस क्लोजर के अंदर एट्रीब्यूट सारे आ जाएंगे चारों, वो कैंडिडेट की बनती जाएगी। यह था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने सुपर की और कैंडिडेट की फाइंड करने का तरीका कर देखा कि फॉर्मली हम कैसे कीज को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रिलेशन या टेबल के अंदर।